हाय फ्रेंड्स, मैंने यहाँ नीम की पत्तियों से कैप्सूल्स बनाए हैं। जो भी व्यक्ति नीम को अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करना चाहते हैं पर उसके कड़वेपन की वजह से वो उसको खा नहीं पाते हैं, उसके लिए ये काफ़ी आसान तरीका है अपनी डाइट में नीम की पत्तियों को इंक्लूड करने के लिए। मैं पहले नीम की पत्तियों को अच्छी तरीके से धो लेती हूँ और धोने के बाद इसे धूप में सुखा लेती हूँ। सुखाने के बाद अब ये पत्तियों को हम क्रश कर लेंगे और क्रश करने के बाद में ये जिलेटिन के बने हुए कैप्सूल्स आते हैं जो मेरे हस्बैंड ने अमेज़ोन से मंगाए थे। ये कैप्सूल्स एम्प्टी होते हैं और इन एम्प्टी कैप्सूल्स में हम लोग इन पत्तियों को आराम से भर सकते हैं। यहाँ पर मैं कैप्सूल्स के अंदर अभी पत्तियों को फिल करके दिखा रही हूँ और जब भी हम लोगों के पास थोड़ा भी समय है जिसमें हम लोग खाली बैठे हैं, इन कैप्सूल्स को आराम से भर सकते हैं। और इस तरीके से बहुत आसानी से हम लोग नीम की पत्तियों को कंज्यूम कर सकते हैं और एक कैप्सूल में करीब 4-5 नीम की पत्तियों का जो सूखी हुई पत्तियां हैं वो उसमें आ जाती हैं, उनका पाउडर उसमें आ जाता है। और आप एक कैप्सूल या दो कैप्सूल मैक्सिमम तक आप डेली बेसिस पे कंज्यूम कर सकते हो। पूरी फैमिली के लिए ये आप बना के रख सकते हैं। तो मैं पूरा एक एक महीने के लिए कैप्सूल्स जो है ये बनाती रहती हूँ और हफ्ते के हफ्ते नीम को घर पे मंगा लेती हूँ, फिर धो के सुखा के कैप्सूल्स बना लेती हूँ। तो एक हफ्ता चल जाते हैं, तब तक जब तक वो खाते हैं तब तक दूसरे पत्तियों को ला के सुखाती हूँ, तो जब पहले ख़त्म होते हैं तो दूसरे वाले रेडी हो जाते हैं। तो काफ़ी आसान तरीका है नीम को डेली डाइट में कंज्यूम करने के लिए और ये काफ़ी बेनिफिशियल भी होता है।